हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, अभी तक हमने एक्सेप्ट यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत चर्चा सुनी है, ठीक है, कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ साथ में हमने फीस के बारे में भी सुना है कि बहुत ज्यादा फीस होती है, एंड बहुत सारी मतलब बातें हमने सुनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं और बहुत सारे लोग फीस की वजह से नहीं जा पाते। बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि यार वहां पर प्लेसमेंट अच्छा होता है, लेकिन वो प्लेसमेंट अच्छा तो होता ही है डेफिनेटली, लेकिन उसकी क्या रियलिटी है, वो आज सारी जितने भी मिथ्स है, जितने भी रियलिटी है, सब कुछ आज हम जानेंगे। मिस्टर हर्ष हमारे साथ है। मिस्टर हर्ष ने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है वहां से, ठीक है, मास्टर्स कंप्लीट किया है सेप्ट यूनिवर्सिटी से। तो सेप्ट के बारे में सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे हर्ष से कि हर्ष, ये जो सेप्ट अदर यूनिवर्सिटी से कैसे डिफरेंट है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ। बेसिकली सेप्ट का जो करिकुलम रहता है, मतलब उसमें दे आर प्रोवाइडिंग अ स्टूडियो बेस्ड करिकुलम। मतलब उसमें क्या है, यूजुअली जो यूनिवर्सिटीज में नॉर्मली कोर्सेज वी लर्न कोर्स डिफरेंट कोर्सेज, यहाँ पे वो लोग ने कोर्स को ट्रांसफॉर्म करके एक प्रैक्टिकल फॉर्मेट में लेके गए। लाइक हम लोग यूजुअली हमने बैचलर्स में जो भी किया था, इफ आई टेल अबाउट मी माई सेल्फ, तो हमने यूजुअली बुक्स में एग्जाम्पल सॉल्व किए, बट उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ पे होगा वी डोंट नो मच अबाउट दैट। यहाँ पे जो स्टूडियो बेस्ड है जो भी कोर्सेज, उसमें क्या करते हैं, वो हमें एक प्रोजेक्ट देते हैं, तो जो भी हमने एक्चुअली पढ़ा हुआ है वी कैन अप्लाई ओवर दैट, और हम जो डिजाइन करते हैं वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में कैसा होगा, क्या किस तरह से होगा, क्या प्रोसीजर रहेगी, वो सब समझ में आता है। तो दैट मेक्स लर्निंग मच बेटर एंड इजियर। तो वो एक पॉइंट है स्टूडियो जो काफी बेटर है रादर देन अदर यूनिवर्सिटीज। ओके, तो इन जनरल हम ऐसा कहना चाहते हैं कि प्रैक्टिकल जो लर्निंग है उसके ऊपर ज्यादा एम्फसाइज किया गया है, ठीक है, रादर देन दी जो हमारा जो थियोरेटिकल लर्निंग होता है उसके कंपेयर में। ये सेप्ट की खासियत है। अब मैं ये जानना चाहूंगा, लेट सपोज आज मेरा सेप्ट में पहला दिन है, जैसे कि आप सभी का हुआ होगा, सो फिर वो एक माइंडसेट होता है ना, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि ठीक है आप प्रैक्टिकल लर्निंग करा रहे हो, थियोरेटिकल लर्निंग नहीं करा रहे, बट मैं एक जानना चाहता हूँ कि बिकॉज द प्रैक्टिकल इज डिपेंडेंट ऑन थियोरी, ठीक है, कोई भी चीज प्रैक्टिकल चीज है वो थियोरी के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बोला कि जो हमने बी के अंदर बेंडिंग मोमेंट वगैरह जो पढ़ा था, शियर फोर्स, ठीक है, क्योंकि आप स्ट्रक्चर इंजीनियर, डिफ्लेक्शन, ये सारी चीजें हमने डिराइव की थी कि अच्छा सिंपली सपोर्टेड ये आएगा तो ये होगा, कैंटिलीवर होगा तो ये होगा, फिक्स होगा तो ये होगा, बट ये सारी चीजें आपने प्रैक्टिकली वहां पर सीखी। बट ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइंड सेट फ्रॉम थियोरिटिकल टू द प्रैक्टिकल, ये कैसे पॉसिबल होता है और ये कैसे वो उसके पीछे कोई ब्रिज है या ऐसा कुछ नहीं? इसी बेसिकली ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। आपको अगर नहीं भी आता हो, आपको जरूरी नहीं है कि आपको बेसिक सारे क्लियर आपके हो ही पहले से। कहीं कहीं यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है कि आपके बेसिक क्लियर हो तो ही आप मास्टर्स परस्यू इजिली कर सकते हो या वॉट एवर, बिकॉज वो फिर इन डेप्थ ही आपको डायरेक्टली दिखाएंगे, जो आपने बेसिक्स होगा उसमें ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग यहाँ पे कैसा है, जब मैं एंटर हुआ था मुझे खुद को भी मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं थे, काफी हद तक क्लियर नहीं थे, मतलब वी कैन से के स्ट्रक्चर्स मेरे लिए कम्प्लीटली न्यू सब्जेक्ट था, ऐसा बोल सकते हैं। दो हमने किया था, बट जो भी है, जब गए थे इट वॉज अ ब्लैक बोर्ड, कुछ नहीं था पता, बट फिर जैसे जैसे दे एक्चुअली मेक यू लर्न इन अ वे कि आपको छोटी से छोटी पॉइंट भी अगर आपको नहीं आता ना वो क्लियर हो जाएगा। एंड मेन थिंग यहाँ पे ऐसा है कि एक्सटर्नल फैकल्टीज आते हैं पढ़ाने, सो बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई ऑन फील्ड काम कर रहा होता है वो जब आके आपको पढ़ाता है तो यू गेट अ लॉट ऑफ आइडियाज, अ लॉट ऑफ डिफरेंट ways to design या फिर आप ways to learn जो बोल सके कि it is not bounded to textbook only, ऐसा हो जाता है।
कई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं कि किस तरह से कैसे डील करेंगे कोई भी. और हमने भी ये सीखा है तो ऐसे ही सीखा है कि बेसिक्स नहीं क्लियर थे. बेसिक्स हमने बुक्स पढ़ के क्लियर किए, बट ये लोग जो हमें प्रोजेक्ट्स देते हैं वो उतना हमें खुद करना पड़ता है कि हमने बुक्स में से पढ़ के फिर इसको अप्लाई कैसे करें. मतलब यू नीड टू स्टडी ऑफ कोर्स, बट यहाँ पे जब आपको कोई प्रोजेक्ट्स मिलेगा तो वो आपको एप्लीकेशन किस तरह से करना है ये प्रोसीजर तो आपको पता होना चाहिए. और आपको एक क्लियर होना चाहिए कि आप किस तरह से खुद को ट्रांसफॉर्म करोगे फ्रॉम बुक टू फील्ड या फिर टू प्रैक्टिकलिटी. ठीक है ठीक है ठीक. तो कंक्लूजन में यही निकालना चाहूंगा कि भाई जितना आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है और यहाँ एक तरफ आपके पास प्रोजेक्ट एप्लीकेशंस है, इनके बीच में आप खुद को सेल्फ ब्रिज बनाना पड़ेगा कि आप वो थ्योरेटिकल दिमाग में बेंडिंग मोमेंट है यहाँ पर क्या, बेंडिंग मोमेंट के एप्लीकेशन आ रहा है क्या, उसकी इफेक्ट हो रही है, वो आपको खुद ही जज करना पड़ेगा. ठीक है, ये तो ठीक है. ये बात तो है. और दूसरी जो बात मैंने यहाँ से हासिल की, जैसे कि आपसे, अगर लेट सपोज बेसिक क्लियर नहीं है तो लेट स्टार्ट न्यू, नया स्टार्ट करो. ठीक है, ये एग्जैक्टली उसी से होगा. मतलब टेंशन नहीं लेना कि यार कंसेप्ट नहीं है तो क्या आपको नहीं समझ में आएगा. लेट स्टार्ट न्यू, नया स्टार्ट करो, जो ही है वो यही है, इसी से स्टार्ट करो प्रैक्टिकलिटी. ओके, तो ये समझ में आ गया. मतलब ये तो ठीक है, बट मैं ये जानना चाहूंगा कि गेट के थ्रू एडमिशन वहां पर होता है कि नहीं होता? नहीं होता गेट के थ्रू, गेट का कुछ क्राइटेरिया नहीं होता है, कोई भी क्राइटेरिया नहीं. गेट का क्राइटेरिया ही नहीं है यहाँ पे. सेप टेक्स एन इंडिविजुअल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद वो लोग इफ यू क्लियर, मतलब उसका एक मेरिट बनाते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्कोर. उनका ना कोई कट ऑफ है ना कोई ऐसा पर्टिकुलर क्राइटेरिया कि यू नीड टू क्लियर दिस मच रैंक या जो भी है. आपको अगर सपोज 500 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है तो उसमें जिसका हाईएस्ट स्कोर है दैट विल बी ऑन फर्स्ट नंबर, फिर ऐसा सेकंड थर्ड फोर्थ करके पूरा मेरिट लिस्ट जनरेट होता है. अकॉर्डिंग टू दैट वो लोग फ्यू नंबर सिलेक्ट करते हैं कि वो लोग दे आर इनवाइटेड फॉर पर्सनल इंटरव्यूज. वो मेरिट बेस पे ही रहता है और वो पर्सनल इंटरव्यूज में से फिर आपको फिर से मेरिट बनेगा और वो मेरिट कंबाइन होगा आपका इंटरव्यू का और एग्जाम्स का. जो आपके एग्जाम के स्कोर है और आपका जो इंटरव्यू का स्कोर है वो दोनों से आपका एक मेरिट बनेगा और वो मेरिट बेस पे आपको फिर जब भी अपना स्कोर सिलेक्शन का पीरियड होगा तब यू कैन डिसाइड कि अगर मेरा 25th रैंक है या मेरा 50th रैंक है या 75th रैंक है तो आपको कौन सी फील्ड में मिल सकता है. ओके ओके. और वो फिर तब वहां पे जब भी मीटिंग में जो डिसाइड होता है कि कितनी सीट्स आपको अवेलेबल है, कितने लोगों ने सीट्स पे अप्लाई कर दिया है, वो सब वहीं पे लाइव होता है, जब भी ऑन कैंपस ही होता है ये. अच्छा अच्छा अच्छा. तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यार मतलब सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड एंड पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पर ही सिलेक्शन होता है. देयर इज नो क्राइटेरिया लाइक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो हम क्राइटेरिया है वो यहाँ पर नहीं होता. बस पर्सनली उनकी अपनी एग्जाम है, वो एप्टीट्यूड सिर्फ और सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड ही आता है या और कुछ भी आता है उसमें? नहीं, जनरल एप्टीट्यूड रहेगा बट ऑन द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपने आपको पहले फॉर्म एक फिलअप करवाएंगे कि विच फील्ड्स आर यू इंटरेस्टेड इन. और अपने जो भी फॉर्म में फिलअप किया होगा कि जो जो फील्ड रिलेटेड तो दे विल आस्क क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू दैट इन योर पर्सनल इंटरव्यू. ओके ओके ओके. एंड ऑन बेसिस ऑफ दैट दे विल जज यू किस तरह से वेयर डू यू स्टैंड. ओके, कि इसमें जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा जैसे कि. तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट ब्रांच स्ट्रक्चर है क्या, या कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट क्या, मुझे वो सीक्वेंस बताना है ब्रांच वाइज? हाँ, मतलब एक्चुअली क्या है, यूजुअली ऐसा होता है कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पहले फिल अप होती है, देन स्ट्रक्चर्स होती है, फिर दूसरी दो जो जियोमेटिक्स और बीईपी बिल्डिंग एनर्जी प्लानिंग है वो होती है. बट एक्चुअली ऐसा कोई स्पेसिफिकली बोल नहीं सकते बिकॉज हमारे टाइम पे जब एडमिशन हुआ था
तो हमारे सीनियर्स में ऐसा हुआ था कि सबसे पहले कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर्स फिल हो गई थी कम्प्लीटली, बट जब हमारा हुआ सिलेक्शन, जो भी हमें सिलेक्ट करने के लिए आया, उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर वाज रनिंग पैरेलली, यू कैन से कि एक कंस्ट्रक्शन में गया, एक स्ट्रक्चर्स में गया, फिर एक दो फिर से कंस्ट्रक्शन में गए, तब जाके जियोमेटिक्स में भी एक दो आ जाएंगे. मतलब देयर वाजंट एनी पर्टिकुलर हाइप के इसी में फील्ड में है या नहीं है. तो बेसिकली वो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स को किस में इंटरेस्ट है, रादर देन ऐसा कोई हाइप क्रिएटेड नहीं है कि इसी में होगा या इसी में नहीं होगा. मतलब इट माइट बी पॉसिबल कि अगर ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्टेड है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में कोई पर्टिकुलर ईयर में, वहां पर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पहले फील होता है. यस, एंड स्ट्रक्चर में इंटरेस्टेड है स्ट्रक्चर फील हो जाएगा. बट ठीक है, अभी तो मेन तो यही दोनों. तो बेसिकली वहां पर चार कोर्सेस अप्रोच किए जाते हैं, चार कोर्सेस आपको कराए जाते हैं, स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, जियोमेटिक्स एंड बिल्डिंग. कौन सा बोले? प्लानिंग, एनर्जी एंड बिल्डिंग, एनर्जी एंड प्लानिंग. बिल्डिंग एनर्जी एंड प्लानिंग. ओके ओके ओके. अब मैं ये जानना चाहूंगा, अगर आपके पास कोई दिमाग में है, कि क्या चारों में प्लेसमेंट बहुत बढ़िया होता है या पर्टिकुलरली उसमें बायसनेस है कि भाई स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट में अच्छा प्लेसमेंट होगा, बाकी दो में नहीं? नहीं, फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे बीईपी के बारे में इतना नहीं पता है. कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का प्लेसमेंट अच्छा है बिकॉज सेप्ट में मैनेजमेंट सेप्ट का इज गुड, यू कैन से, क्योंकि उनका बैचलर्स का भी जो करिकुलम है वो थोड़ा मैनेजमेंट बेस्ड है, तो दे गेट अ बेनिफिट इन दैट फील्ड एज वेल. फिर इफ यू टॉक अबाउट स्ट्रक्चर्स, तो स्ट्रक्चर्स में भी प्लेसमेंट है, बहुत अच्छे है या बहुत बुरे है वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल्स पे. लेकिन कोई मैं एवरेज अमाउंट जान सकता हूं? एवरेज अमाउंट आई डोंट नो एग्जैक्टली बिकॉज एवरेज हमारा पर्टिकुलर बैच था तब तो कोविड आ गया था. तो बेसिकली हमारे में कोई ऐसी MNCs या ऐसा कोई आया है नहीं हमारे प्लेसमेंट के टाइम पे. बट हमारे सीनियर्स की बात करूँ मैं, तो इट वॉज अराउंड 3.5 to 4 LPA. ओके ओके ओके. अब यहाँ पर ठीक है, हमने मतलब सभी का मैंने इतना सुना है कि प्लेसमेंट वाइज तुमको इतना टेंशन नहीं लेना होता है. इफ यू आर गुड एंड प्लेसमेंट में अच्छा करते हो, डेफिनेटली प्लेस हो जाऊंगे. मतलब हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ 100% हो गए, बट हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी की आप प्लेस हो जाओगे अगर अच्छा कर रहे हो सब चीज में. तो सो हर्ष, क्या मैं जान सकता हूँ कि सेमेस्टर वाइज फीस कितनी होती है एंड वॉट अबाउट स्कॉलरशिप एज वेल? सेमेस्टर वाइज फीस इसमें पर्टिकुलरली दे इंक्रीज एवरी ईयर, मतलब उनका चेंज करते रहते हैं, बट हाँ फीस ज्यादा है अग्रीड, बट उसके सामने वो लोग इफ यू आर फ्रॉम अ लो मिडिल क्लास फैमिली या जो भी आपकी इनकम क्राइटेरिया नहीं सेट बैठता है, तो दे डू प्रोवाइड स्कॉलरशिप्स एज वेल. उसमें एक आपका जो इनकम सर्टिफिकेट रहता है उसके बेसिस पे वो लोग डिसाइड करते हैं, मतलब उसके बेसिस पे वो लोग पहले स्टूडेंट्स को बाइफोकेट करेंगे कि दीज मेनी स्टूडेंट्स आर ऑफ मिडिल क्लास फैमिली, आर नॉट केपेबल ऑफ फुलफिलिंग द फीस. फिर उसमें से आपने जो इंटरव्यू और आपका जो एप्टीट्यूड का स्कोर था मैंने बताया था, उसका अकॉर्डिंग मेरिट बनता है. वो मेरिट का आपका इनकम के साथ वो लोग बाई और फिल्टर आउट करेंगे, और मेरिट कम मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप आपको मिलती है. उसमें भी पर्टिकुलर ऐसा है कि फर्स्ट एंड सेकंड जो आपकी फील्ड के होते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है 50%, और बाकी जो आपकी इनकम वाइज आप लोगों ने जो मेरिट में आए हो तो उसमें दे प्रोवाइड 50% एज वेल एज 25% स्कॉलरशिप. But they purely depends on the rank you have earned, जो भी आपके इंटरव्यू से हुआ है. मतलब सबको नहीं मिलती है वो भी, उसके लिए you need to do perform better in your interviews and exams. ये semester wise fees का amount?
अमाउंट देखो हमारे जब हमारा हुआ था आई टॉक अबाउट 1920 एंड 2021, मतलब हमारा बैच 19 to 21 का था. सो एट दैट टाइम हमारे पर सेमेस्टर फीस वाज अराउंड 98,000. तो उसमें फिर इफ यू कंसीडर स्कॉलरशिप्स दिस इज तो ओनली 50% ट्यूशन वो फी, लोग. अदर 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 एक्सपेंसेस लाइक नो नो इट हॉस्टल इज ऑल इंक्लूडेड. ऑल इंक्लूडेड, हाँ हॉस्टल एंड ऑल. नहीं, हॉस्टल इज डिफरेंट. नॉट काउंटेड इन दैट, बिकॉज यहाँ पे हॉस्टल के सिवाय लो स्टूडेंट्स यूज टू स्टे इन पीजीज एज वेल, तो दैट कम्स इन अ डिफरेंट पार्ट. ये बट ये कैंपस का जो भी है, या लाइब्रेरी का फीस आ गया या फिर ट्यूशन फीस इंक्लूड हो गया, तो वो सब के लिए आपका 98,000 हमारे टाइम पे था. और उसका 50% अगर आप स्कॉलरशिप गिनेंगे तो 49,000 विल बी योर फीस इफ यू अच्छा, आर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप. ओके. लेट सपोज अगर कोई बंदा ओपन कैटेगरी से है और वो अपनी मेरिट लिस्ट में लास्ट है, तो उसको तो एक भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी ना. नहीं मिलेगी बिकॉज उसके आगे ऑलरेडी लोग होंगे जिन्होंने इनकम सर्टिफिकेट भी रखा होगा, हाँ, तो वो दोनों विच इज क्राइटेरिया है. फॉलिंग इन द क्राइटेरिया. यस ठीक है. और लेट सपोज अगर कोई बंदा एसटी कैटेगरी का है, एसटी कैटेगरी का, और वो है वन, अपनी जो ब्रांच है उसके अंदर वन है वो, तो उसके पास मैक्सिमम स्कॉलरशिप होगी एंड दैट मैक्सिमम अमाउंट विल बी नॉट मोर देन 50%, राइट? हमारे टाइम पे 50% था. अभी रिसेंट का आई नीड टू कंफर्म विद समवन, ओके ओके, मतलब बट अराउंड बाकी यूजुअली इट इज 50%. हाँ 50% जैसा यू कैन कर. बट इसमें एक चीज ये भी रहेगा कि इफ यू आर मेरिट, इफ यू गेट अ मेरिट स्कॉलरशिप, मेरिट और इनकम स्कॉलरशिप वाला नहीं, बट मेरिट जो फर्स्ट एंड सेकंड को स्कॉलरशिप मिलता है, दे नीड टू मेंटेन अ फिक्स्ड CGPA इन देयर 2 ईयर कोर्स, तो ही उनका वैलिड रहेगा समझ गए समझ गए. स्कॉलरशिप, नहीं तो फिर वो फिर लैप्स हो जाएगा. मतलब ऐसा नहीं कि भाई इंटरव्यू में टॉप कर दिया आप फेल हो रहे हो, बैक लग रही है. मतलब इंटरव्यू में बढ़िया किया आप, नहीं आपको होगा, सेमेस्टर में भी बढ़िया करना पड़ेगा. यू नीड टू परफॉर्म एज वेल. ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है. अब फाइनली बहुत अच्छा कैंपस है, मैंने खुद ने भी देखा है एंड सब कुछ बहुत बेहतरीन है. बट मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ये रखना चाहूंगा कि डज इट वर्थ इट कंपेयर टू आईआईटीज एंड एनआईटीज. मैं यहाँ पर डज इट वर्थ इट इन रेस्पेक्टिव जनरल, मैंने वर्थ तो होगा ही, ऑब्वियस बात है भाई, कोई इंसान पढ़ाई करता है तो वर्थ तो होगा ही. मैं ऐसा नहीं बोलता कि वर्थ नहीं है, बट मैं एज कंपेयर टू आईआईटीज एंड एनआईटीज, क्योंकि मैं जनरली सही बताऊं तो मैं स्टूडेंट्स को यही गाइड करता हूँ कि तुमको गेट के थ्रू आईआईटी मिल रहा है, आसानी से मिल रहा है, बहुत इजी तरीके से मिल रहा है. गेट के थ्रू एनआईटी मिल रहा है, बहुत इजी तरीके से मिल रहा है. देन व्हाई शुड यू गो फॉर अदर इंस्टीट्यूट, अदर यूनिवर्सिटीज, जिसमें से वन ऑफ द बेस्ट है, बीट्स है और सेप्ट है. तो अब मुझे गाइड करने की ये समझ में आया कि क्या उनको मैं आईआईटीज और एनआईटीज के कंपेयर में बीट्स एंड सेप्ट वगैरह उनको सजेस्ट करूं या ना करूं, आपका क्या मतलब कहना है, क्योंकि तो आप वहां से होके आए हो. ठीक है. नहीं फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने आईआईटी या एनआईटी का कैंपस नहीं किया है एक्सपीरियंस, बट मैं मतलब यहाँ आई की एम अगर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली जनरल बात करूँ टैग, आप. दैट टैग यू आर गेटिंग फ्रॉम हाँ आईआईटीज, दैट नहीं एनआईटी, नहीं नहीं सी मैं सच बोलूँ तो दिस टैग यूजुअली डोंट मैटर इफ यू आर केपेबल, ओके ओके, दैट्स दैट्स आई व्हाट नो. आई थिंक. नहीं, ये तो हाँ सही बात. अभी उस हाँ उसमें अभी ऐसा है कि इफ यू टेक आईआईटी स्टूडेंट, और मतलब मैं आई एम नॉट पॉइंटिंग समवन, बट ऐसा होता है कि इफ यू कंसीडर एन आईआईटी पर्सन एंड इफ यू कंसीडर समवन फ्रॉम सेप्ट और बीट्स, इट मे हैपन कि सेप्ट और बीट्स वाले को ज्यादा पता हो सकता है एंड इट हैपन्स एज वेल, बिकॉज वो लोग का थोड़ा फील्ड रिलेटेड भी ज्यादा रहता है. आईआईटीज में एक साइड यू कैन से के रिसर्च वर्क थोड़ा ज्यादा बेटर होता है वो लोग का. टोटली अग्रीड, उनका रिसर्च वर्क इज वे बेटर, बट इफ यू वांट सम प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल लर्निंग या फिर आपको प्रैक्टिकल थोड़ा
थोड़ा एस्पेक्ट में ज्यादा समझना है या किस तरह से होता है, तो आई वुड से के दिस टू अदर ऑप्शंस आर बेटर बिट्स एंड सेप इन माय पर्सनल ओपिनियन बिट्स एंड सेप बिकॉज आप हमारी ही बात ले लीजिए तो वी एक्चुअली गेट प्लेस्ड इजीली जो यूजुअली देखने मिलता है अदर यूनिवर्सिटीज. हाँ आईआईटीज एंड एनआईटी से मैं कंपेयर नहीं कर सकता हूँ बिकॉज दे डू हैव अ रेपो, वहां पे बात अलग है. बट व्हेन यू टॉक विद समवन, जब आपने सेप से या बिट से किया है एंड अपनी जब भी वर्क स्टार्ट करते हैं तो उसमें आप जब भी बात करते हैं यू कैन सी योरसेल्फ सेंडिंग समवेयर. और कैंपस का जो आप बात कर रहे हैं कि कैंपस में इज इट वर्थ इट और नॉट, यस डेफिनेटली इट इज वर्थ इट बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको कोर्स कैसा भी हो या आता हो कितना नहीं आता हो जो भी हो, दैट पॉइंट्स कीपिंग दैट पॉइंट्स असाइड, या सेप का जो वर्क कल्चर है ना, स्टूडेंट बेस्ड वर्क कल्चर जो उनका है, दे आर प्रोन टू वर्क इन अ इन प्रेशराइज्ड एटमोस्फियर. आपके जो जो भी स्टूडेंट्स सेप में, पर्टिकुलरली इफ आई टॉक अबाउट सेप, अगर जो भी अप्लाई करेंगे, यस यू विल बी प्रेशराइज्ड, आपको रातें जगनी पड़ेंगी, काम करना पड़ेगा. हमने खुद ने रात कितनी निकाली है और कैंपस में ही निकाली है काम करते हुए, बट ऑल एंड सोल आई विल से दैट इट इज वर्थ इट. मुझे आज तक 1% भी, 1% क्या 0.1% भी ऐसा नहीं लगा कि मेरी एक रात भी वेस्ट गई होगी. इट वॉज वर्थ इट इन माई मास्टर्स एज वेल एज वॉट आई एम डूइंग राइट नाउ. ओके ओके ओके, सो दैट हेल्प्स अ लॉट, दैट हेल्प्स अ लॉट. एंड जो आप कैंपस पे पढ़ते हो, आपके कैंपस पे सीनियर्स के साथ जो इंटरेक्शन होता है, दैट इंटरेक्शन बिटवीन यू एंड योर सीनियर्स, दैट हेल्प्स अ लॉट, दैट ट्रूली हेल्प्स अ लॉट. क्योंकि उसमें आपको कितनी बार होता है कि फैकल्टी से जो आप रिलेट नहीं कर सकते हो, हम जैसे कॉमन फ्रेंड्स जो पढ़ते हैं साथ में वो स्टूडेंट्स को इजीली याद रहेगा रादर देन अपने फैकल्टी या किसी और से सीखा हो. सही सही, सेम चीज यहाँ पे होगा कि आप जब सीनियर से सीखेंगे तो यू विल हैव एन इम्पैक्ट के हाँ ये इस तरह से होगा और आप इजीली समझ सकते हो. तो वो जो एक एटमोस्फियर क्रिएट होता है दैट इज लिटरली गुड एंड इट हेल्प्स अ लॉट. ओके, अब यहाँ पर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ये पूछना चाहूंगा कि यार एक बहुत बड़ा मिथ बन चुका है कि यार बिट्स एंड सेप्ट के बारे में, बिट्स एंड सेप्ट के बारे में बहुत बड़ा मिथ ये कि यार ये तो अमीरों की कॉलेज है. ठीक है, तो उसके बारे में बस वही मिथ को बस्ट करना है हमें, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि ये तो अमीरों की कॉलेज है, ये तो सिर्फ और सिर्फ जो ज्यादा रिच है उनके लिए है, तो उनके उसके बारे में आपके. I won't say that because मैं खुद एक middle class family से belong करता हूँ. मेरा बोलूँ तो मेरा खुद का मैंने family income show करके मैंने खुद ने scholarship पे admission लिया था. तो ऐसा कुछ नहीं है कि rich kids के लिए ही है sept and bits. क्योंकि if you are capable enough, if you have that in your will जो आपने सोचा है कि अगर आपको इतना करना है तो देयर वे इट फाइंड्स अ वे. और फिर अल्टीमेटली आप जो जैसा मेरा हुआ है, मैंने खुद ने 50% में ही सेप्ट से पास आउट हुआ हूँ मैं. और हाँ थोड़ा कॉस्टली लगता है बट यू कैन से इट इज वर्थ इट. मतलब थोड़ा लगता नहीं है कि इट इज फॉर रिच किड्स ऐसा. मतलब इन शॉर्ट के कंक्लूजन में यही कहना चाहूंगा, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे. अगर आपको चाह है वहां पर जाने की, देन यू कैन फाइंड योर ओन वे. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई वुड से कि यार मैंने ये एक्सपीरियंस किया है पर्सनली कि
क्योंकि मैं तो फॉरेन स्टूडेंट्स जो जाते हैं उनको भी देखते रहता हूँ, वो तो 15 लाख 20 लाख अप टू 50 लाख वो खर्चा करते हैं। और यहाँ पर अगर हम चारों अगर लाख रुपए भी समझे, लेट सपोज, तो 4 सेमेस्टर के 4 लाख रुपए होते हैं। एंड मुझे लगता है कि इफ यू आर कैपेबल इनफ देन यू विल रिकवर दैट 4 लाख इन अ सिंगल ईयर। ठीक है, ये भी मैक्सिमम बोल रहा हूँ। अगर मान लो कि और बेटर जॉब लग गई देन यू आप 6 महीने में ही कर लो, ऐसा भी पॉसिबल है। सो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यार अगर कहीं पर फीस आपको ज्यादा लगती है, चाहे वो कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, एंड इफ यू आर केपेबल, अगर आप केपेबल हो देने के लिए, तो फिर सोचो मत, बिकॉज ऑल जो आप दे रहे हो पढ़ाई के लिए, स्टडीज के लिए, देन वो आपको रिफंड होने ही वाला है थोड़े सर्टेन टाइम के बाद। ठीक है, तो ये एक माइंडसेट होना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हैं देन यू विल फिगर आउट योर ओन वे। बहुत सारे रास्ते दोस्तों, अगर पढ़ाई करना है तो बहुत सारे रास्ते, जैसे कि स्कॉलरशिप का है, स्टाइपेंड का है, ठीक है, स्पॉन्सरशिप का है, जितने सारे रास्ते, बस वही है, देयर इज अ वे, देयर इज अ विल। अगर आपके पास चाह है तो वहां पर राह आपको मिली जाएंगी। हाँ, यस, आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग अबाउट दिस स्टाइपेंड की जो आप बात करते हैं। सेप में स्टाइपेंड का नहीं है, बट सेप में एक टीचिंग असिस्टेंट का ऑप्शन ओपन है। आप जो मास्टर्स कर रहे हैं, यू कैन अप्लाई फॉर टीचिंग असिस्टेंट। वहां पे आप अपने जूनियर्स को फैकल्टीज के साथ गाइड करेंगे, उनके एज एन असिस्टेंट यू कैन वर्क ओवर देयर, और उसकी जो आपको एक अमाउंट मिलती है दैट इज ऑल्सो गुड अमाउंट। तो उसमें आपका आई कैन से आपका सेमेस्टर की फीस 30-40% तो कवर हो जाती है। Actually, it depends on the course particularly. So there is no particular fixed amount. But इसलिए मैंने बोला कि अरे मैंने बोला 30-40% आपका जो range cover हो जाता है. So if someone is not eligible for the scholarships, you can apply for this teaching assistant, and on basis of that, you can cover some amount of fees. So again, coming to that point, के it is not just for rich kids. Anyone can do that. Okay. And finally, overall मैं ये conclusion पे पहुंच सकता हूँ क्या कि जो लोग, क्योंकि अभी मेरी एक दो दिन पहले के स्टूडेंट से बात हुई थी, लगभग वो बड़ौदा या के आसपास के ही थे, उन्होंने कहा कि सर मुझे कंपटीशन से बहुत डर लगता है, मतलब मैं नहीं दे पाऊंगा गेट। ठीक है, कंपटीशन से बहुत डर लगता है, लेकिन मुझे आगे पढ़ाई करनी है, अच्छी यूनिवर्सिटी से करनी है, सो अब गेट नहीं दे पाऊंगा तो IIT और NIT तो बचा नहीं। देन आई सजेस्ट हिम अबाउट बिट्स पिलानी एंड सेप्ट जैसे ऑप्शन सजेस्ट किए, बट वही पर उसकी जो बात आके अटकी थी कि सर वॉट अबाउट पर सेमेस्टर फी। तो आपने अच्छा हुआ सारे ऑप्शन पूरे एलाबरेट करके बता दिए कि भाई TA टीचिंग असिस्टेंट वाला पॉइंट ऑफ व्यू भी है, 50% स्कॉलरशिप वाला पॉइंट ऑफ व्यू, तो बहुत अच्छी बढ़िया बात है। सो क्या मैं ये कंक्लूजन कर सकता हूँ कि अगर किसी को IIT NIT से नहीं जाना तो वो डेफिनेटली ही और शी शुड गो फॉर बिट्स एंड सेप्ट। एंड ये जो आपने एक और बात जो लिखी, एक जो बात बोली थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, आपने जो एक वर्ड इस्तेमाल किया कि वेरी स्मूथली आपका प्लेसमेंट हो गया, मतलब जैसा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यार हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, आप सोचो हम मास्टर्स कर ही क्यों रहे हैं, बिकॉज ऑफ प्लेसमेंट। ठीक है, जनरल बात करें तो, एंड अगर सेप्ट या बिल्ड्स में स्मूथ प्लेसमेंट हो रहा है देन जाना क्यों नहीं चाहिए, मतलब जिनको NITs है IITs में नहीं जाना उनकी बात करो। सो हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? एग्जैक्टली, जो भी आपका स्टूडेंट है बड़ौदा से बिलोंग करता है, मैं फ्रेंकली बोलूं तो मेरा खुद का ऐसा था, आई वाज नॉट इनटू कंपटीशन, और मैंने खुद में ये सोचा था कि गेट मुझसे क्लियर नहीं होने वाला जो एक्चुअली, और उसके लिए मैंने ट्राई किया भी नहीं था फ्रेंकली स्पीकिंग। तो आई ऑप्टेड फॉर अदर ऑप्शंस, लाइक गेट नहीं था तो एक PG सेट जो होता है, फिर अदर यूनिवर्सिटीज जो नॉन गेट एग्जामिनेशन बेस पे एडमिशंस करवाते हैं, तो आई फाउंड दैट सेप्ट एंड बिट्स आर गुड ऑप्शंस फॉर नॉन गेट। एंड जो आप प्लेसमेंट का बोलते हो, यस दैट इज ट्रू, आप आपने नो डाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में
चलो यू फाउंड अ वे कि आपने इस यहाँ पे एडमिशन ले लिया. सपोज लेट्स टेक दिस एग्जांपल ओनली कि मैंने लेट्स टॉक अबाउट मी. मैंने नॉन कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अवॉइड कर दिया, साइड कर दिया एंड आई फोकस्ड ऑन समवेयर एल्स. सेप में मैंने एडमिशन ले लिया बट द जर्नी डजंट एंड देयर. सेप में तो कॉम्पिटिशन मिलेगा, इसी कॉम्पिटिशन कहीं पे भी मिलने ही वाला है. दैट इज क्लियर. ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे कंपटीशन नहीं होगा. एंड इफ कंपटीशन हो गए नहीं तो यू वोंट बी एबल टू ग्रो. एग्जैक्टली. तब जो भी मैंने सोचा था कि नहीं गेट नहीं दूंगा, आई विल फाइंड सम अनदर वे. हाँ दैट हैपेंड और मुझे मिल गया. बट फिर सेप में तो मुझे अल्टीमेटली कंपटीशन मिलने ही वाला है. सो तब आप जो भी आपने जो वर्क किया, आपने जो सीखा और फिर आपने जो अप्लाई किया, दिस होल प्रोसेस, दिस ऑल आर डिफरेंट पार्ट्स के लर्न अप्लाई और आगे उसका अपने फ्यूचर में किस तरह से यू विल कंटिन्यू दैट. ये सब आपको एक क्लैरिटी बिठाना पड़ेगा धीरे धीरे. मास्टर्स में आ गए हो थोड़ा तो आपको क्लियर होना पड़ेगा. आई वॉन्ट से कंप्लीट क्लियर बिकॉज मैं खुद क्लियर नहीं था. मास्टर्स में आने के बाद भी मैं एक बार क्लियर नहीं था. बट हाँ इवेंचुअली यू नीड टू फिगर दैट आउट. और हाँ अगर आपने वो कंपटीशन क्लियर कर लिया और किसी और से आई वुड सजेस्ट के मार्क्स पे सीरियसली फोकस मत कीजिएगा. टॉकिंग अबाउट सेप्ट, ये मैं मेरे जूनियर्स को भी एडवाइस देता हूँ. मेरे सीनियर से मुझे एडवाइस मिली है और मैंने खुद में भी अप्लाई किया है हमारे में. मार्क्स डजंट मैटर. आपको जितना आपने सीखा है ना वो आपका एप्लीकेशन, आपका जब भी आप कहीं पे जाएंगे वो दिख ही जाएगा आपके अंदर और उसी से पता चलेगा. मैं मेरी बात करूं तो आई वॉज नॉट दैट गुड ड्यूरिंग माई करिक्यूलम. मतलब हाँ लोगों के रैंक्स आते थे, किसी का फर्स्ट आया, सेकेंड आया. आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट. But when we would talk about placement, I would not say, I would lie if I say that I am not proud, but mera class mein first placement hua tha. Though I was in a middle range somewhere. So, utna aapko samajh mein aa jana chahiye, utna aapko clear ho jana chahiye ki aapko kis tarah se कहाँ कॉम्पीट करना है, खुद से करना है, कहीं और किसी और से करना है, जिससे भी करना है, आपको क्लियर होना चाहिए. सो दैट इज व्हाट आई थिंक. सो बेसिकली कंक्लूजन यही है कि भाई एटलीस्ट मास्टर में तो लर्निंग पे फोकस करना चाहिए रादर देन द मार्क्स एंड ऑल दिस. अगर वो साथ में पैरेलली आ रहे तो बहुत अच्छा, लेकिन साथ में लर्निंग शुड बी द मेन फोकस. ठीक है, ठीक है. तो वेरी मच थैंक यू हर्ष, आपने इतना अपना टाइम निकाल कर ये पर्टिकुलर इंटरव्यू में इतना टाइम दिया और इतनी सारी क्लियरिटी. टू बी वेरी ऑनेस्ट, सेप्ट में मैं बोलता हूँ ना, मैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज का कर रहा हूँ. मैं अभी एक कैनेडियन स्टूडेंट के साथ भी किया था आज लगभग परसों दोपहर में. तो वहां पर मैं यही जानना चाहता हूँ कि जो वो यूनिवर्सिटी से आया है उसका थॉट जाने हम, ऐसा हवाबाजी नहीं चाहिए हमको, है ना. बाकी जैसे कि मैंने बोला बहुत सारे मिस्ट है, वो रिच कॉलेज के लिए है सेप्ट बीट्स वगैरह, लेकिन मैंने आपसे जान लिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी हैं. सिमिलरली मैंने कनाडा के बारे में जाना था कि भाई वहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई बराबर नहीं होती ऐसा कुछ. ठीक है, तो मैंने जो स्टूडेंट है उन्हीं को ही बिठा कर पूछ लिया कि भाई एग्जैक्टली सिनेरियो तो आप ही जानते हो, आप ही गए हो, देन यू शुड गाइड टू दी जूनियर्स जो अपकमिंग आने वाले हैं उनको. सो थैंक यू सो मच हर्ष. मेरे व्यूवर्स की तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू गाइड करने के लिए. एंड फाइनल एडवाइस क्या देना चाहोगे आप? वन फाइनल एडवाइस फॉर दोस फाइनल एडवाइस कमिंग टू सेप्ट, सिर्फ और सिर्फ सेप्ट में आना चाहते हैं उनके लिए. ओके, फाइनल एडवाइस मैं यही दूंगा कि दो चीज पे फोकस रखना. एक जो मैंने पहले बोला, डोंट गो फॉर मार्क्स. इफ यू आर गुड यू विल बी डूइंग बेटर. दूसरा, आप किसी और पे फोकस मत करो, खुद पे फोकस करो.
स्ट्रगल करो, स्ट्रगल होगा ही। मैं जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं थे, बट इवेंचुअली मैंने उस पर काम किया। वो स्टूडेंट में पर्टिकुलर होना चाहिए कि इफ आई डोंट नो समथिंग मुझे ये करना पड़ेगा। कंपटीशन रखिए, कंपटीशन इज इम्पोर्टेंट। आपने एग्जाम्स में अवॉइड कर दिया, दैट इज फाइन, एग्जाम्स का इतना मैटर करेगा भी नहीं। बट वो जब आप किसी और के साथ बैठेंगे या किसी और खुद के साथ ही जब देखेंगे कि दूसरे लोग कर रहे हैं, व्हाई एम आई नॉट एबल टू डू दैट, वो जब कंपटीशन का आपके अंदर एक थॉट आ जाएगा, दैट इज इनफ। तो हॉल एंड सोल में इतना कहूंगा कि यू विल हैव टू वर्क हार्ड। वर्क हार्ड मतलब आपकी कहीं नाइट्स निकलेंगी, सोओगे नहीं कितना टाइम, बट इट विल ऑल बी वर्थ इट। जस्ट ट्राई दैट, दैट इज ऑल। तो दोस्तों बेसिकली हर्ष को मैं एक्चुअली बहुत टाइम से जानता हूँ, सो मुझे पता है कि हर्ष की मेंटेलिटी क्या है। एंड अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, बहुत टाइम के बाद हमने बात की है, तो बहुत बहुत मेजर चेंज मैंने हर्ष के अंदर पाया, बहुत ही मेजर चेंज, बहुत ही ज्यादा मैच्योर मतलब टॉक हुई है ये हर्ष के साथ। ठीक है, तो ओवरऑल कंक्लूजन मुझे ये अभी जानने को मिला है जो लास्ट लाइन थी कि हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। एंड मुझे लगता है कि हार्ड वर्क चेंज हर्ष तो बाकी लोगों को भी चेंज कर ही सकेगा। ठीक है, तो डेफिनेटली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जो हमारी कन्वर्सेशन हुई इससे पहले कुछ चैट भी हुई थी, उसके अंदर भी मैं वही देख रहा था, कुछ मैंने क्वेश्चंस पूछे थे तो उसके अंदर भी मुझे यही दिख रहा था, हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क, दैट्स इट। चाहे आप सेप्ट में हो, चाहे आप और कोई यूनिवर्सिटी में हो, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट मास्टर्स एंड आप सोच रहे हो कि मास्टर्स में तो चिल करेंगे, है ना, कोई आपको अटेंडेंस का पूछने वाला नहीं होगा, कोई आपके ऊपर रोक टोक करने वाला नहीं होगा, तो आप गलत सोच रहे हो। देर इज नो चिल। अगर आपको रियली कुछ लर्न करना है, देन यू शुड डू हार्ड हार्ड वर्क, चाहे वो सेप्ट हो चाहे और कोई यूनिवर्सिटी हो, तो ही तो आपका लेवल बनेगा यार, नहीं तो लेवल कैसे बनेगा बोलो। आप चिल करते रहोगे, पार्टी करते रहोगे, बंक मारते रहोगे, या किसी चीज में सीरियस नहीं होंगे। जैसा कि हर्ष की आपने पूरी टॉक को एनालिसिस किया होगा, तो हर्ष ने बोला कि यार उसको क्लियरिटी नहीं थी, जो कि नहीं थी उसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बोला कि कोई ना कोई रास्ता तो होना चाहिए कि वो क्लियरिटी को फिगर आउट करना पड़ेगा, कि अब कुछ तो क्लियर करे। ठीक है, तो हर्ष ने सीरियसली काफी इंप्रूव किया है जो हिसाब से मैं उसको जानता हूं, और अभी के हिसाब से, अभी करंटली सिचुएशन के हिसाब से। एंड दो मेजर रीजन देखिए उसका, कि क्लियरिटी उन्होंने फाइंड आउट की, एंड क्लियरिटी मिलने से पहले एंड क्लियरिटी मिलने के बाद हार्डवर्क तो कंसिस्टेंट रहना ही चाहिए। इसी के साथ दोस्तों सेशन को एंड करते हैं सेप्ट के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको इनफ अमाउंट ऑफ नॉलेज तो मिल ही गया होगा, ज्यादा कंप्लीट नहीं बोलता हूं, लेकिन इनफ अमाउंट ऑफ नॉलेज तो मिल ही गया होगा, और बहुत सारे आपके मिथ्स यहाँ पर टूट चुके होंगे। एंड एज ए यूनिवर्सिटी आपको कैसे अप्रोच करना है उसका भी गाइडेंस दे दिया हर्ष ने। तो सेशन को एंड करते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय, टेक केयर। आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट वगैरह में बता सकते हैं। बाय, टेक केयर।